अरे यार, ये घर का सारा राशन मेरे को ही लाना पड़ता है। ये शिंचन और चौप तो कुछ भी नहीं लेकर आते हैं। सारा पहले सामान बाजार से खरीद कर लाओ, फिर घर लेकर आओ, दिमाग खराब हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं यार, यही अपनी बोरिंग सी लाइफ चल रही है। वैसे यार आज बड़ा सन्नाटा है यार, सड़कों पे बहुत ही ज्यादा कम गाड़ियां चल रही है। क्या बात है, मेन रोड पर शायद ज्यादा चल रही होंगी। वैसे यहाँ पर भी भीड़ रहती है, इस वाले होटल में भी आज कोई नहीं आया। भाई साहब क्या ड्रामा, ओ इधर भीड़ है ना भाई, बहुत ही ज्यादा। वैसे गाइस मेरे को यार आटा खरीदना है और दाल खरीदना है, चावल खरीदना है। भाई साहब कितना सारा सामान खरीदना है। वैसे ये सारी दुकानें भी बहुत ज्यादा दूर दूर है यार, लगता है टाइम लगने वाला है आज पूरा। बट कोई नहीं यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, अपनी गाड़ी है अपने हाथों में। गाइस ये वाली तगड़ी गाड़ी है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल, और इसको यार मैंने आयरन मैन से मंगवाई थी। आयरन मैन ऐसी गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो मैंने उसी से मंगवा ली थी। फिलहाल वो देकर चला गया अब मेरे घर पे, और इसी में अपना सारा का सारा राशन लेकर आने वाला हूँ मैं। वैसे यार बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये शिंचन और चौप कुछ भी मदद नहीं करते मेरी, काम करते हो यार। कपड़े की दुकान है ना यहाँ पर बगल में, कपड़े की दुकान से अपने लिए कपड़े खरीदता हूँ, फिर वो दोनों चढ़ जाएंगे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। हाँ भाई साहब अब मजा आएगा ना। गाइस तुम लोग देख पा रहे हो यार, मैं कपड़े की शॉप के जस्ट बाहर आ चुका हूँ। उससे पहले आई थिंक यार मेरे को राशन खरीद लेना चाहिए। फटाफट से चलते है इस वाली शॉप के अंदर, मिल जाएगा शायद इसके अंदर तो। ओके आज भाई साहब अलग, अरे यार गाड़ी मैंने कैसे पार्क कर रखी है यार, थोड़ी ढंग से पार्क करनी पड़ेगी, वरना 10-12 लोग तो ऐसे ही ठोक के चले जाएंगे इसके अंदर। अब गाइस ये वाली गाड़ी एकदम बढ़िया से पार्क है, अब किसी ने भी ठोकी ना मैं उसका मुंह ठोक दूंगा। अभी तो फिलहाल फटाफट से इस वाली शॉप के अंदर जाते हैं यार सामान खरीदने के लिए। और भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे यार तू सोच रहा हो थोड़े कपड़े खरीद लूं? हैं राशन की दुकान, मैं कपड़े की दुकान भाई उधर है। अरे तो देख यहां से रहा था, दुकान के अंदर से ही जाके देख लेता। और ये क्या लेडीज वाले कपड़े देख रहा था? अबे तू पहनेगा? पता नहीं क्या इस कैसे कैसे बंदे है। अबे तू हट जा भाई, मेरे को शॉप के अंदर जान दे सामान खरीदना है। ओके सो गाइस चलते हैं। पर भाई साहब क्या हो गया ये अचानक से? अभी तो मैं सामान खरीदने जाने की सोच ही रहा था। पर सारे के सारे लोग कहाँ चले गए अचानक से, और सारी गाड़ियां चलना क्यों बंद हो गई सड़क पे? ओ भाई ये सारे के सारे लोगों को अचानक से क्या हो गया? ओ भाई साहब इस मोटक कैसे ही मोटा खून में लत पता है। ओ भाई साहब ये तो ज़ॉम्बी लग रहा है यार। अबे नहीं नहीं ज़ॉम्बी कैसे बन, वे नहीं बे सारे के साथ। अबे ये क्या हो गया अचानक से? एक सेकंड गाइस तुम लोग देख सकते हो भाई अचानक से ये क्या हो गया यार पूरे शहर के अंदर। ओ भाई गाड़ी गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा फटाफट से। गाइस यार ये अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? और ये अभी तो सब कुछ नॉर्मल था यार, मैं तो सामान भी तो नहीं है यार, मेरे को सामान खरीदना है। एक मिनट जल्दी से। अरे भाई साहब रुक जा ओ तेरी, हट 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 हट, सामान खरीद का तो। अरे यार लेकिन शॉप वाला भी तो ज़ॉम्बी बन गया होगा। अबे भाई साहब मैं सामान का क्या करूं यार, चलो यार थोड़ा बहुत तो सामान होगा ही एक दो दिन चलाने लायक। फिलहाल तो गाइस इतने सारे ज़ॉम्बीज कैसे भर गए ये। ओ भाई यार इधर की साइड भी तुम लोग देख सकते हो भाई साहब, वो कहीं गैस वैस तो नहीं फैली गाइस खतरनाक सी, जिससे यार लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि गैस क्या पता सच में फैली हो, मैं एक काम करता हूँ फटाफट से इस वाली छत पे चढ़ता हूँ और गाइस अपना मास्क पहन लेता हूँ। वैसे मेरे पास मास्क वास्क कुछ है नहीं, एक काम करता हूँ ना रुमाल ही पहन लेता हूँ, हाँ वो बढ़िया रहेगा। चढ़ जा छत पे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आई थिंक यहाँ पर मैं ज़ॉम्बीज से सेफ हूँ, और एक काम करता हूँ यहाँ पे खड़े होकर फटाफट से अपना मास्क पहनता हूँ। गाइस मैं मास्क है नहीं, रुमाल ही पहन लेता हूँ। ओके सो गाइस फाइनली तुम लोग देख पा रहे हो यार, जो मेरे पास फटा पुराना रुमाल था उसी का मैंने मास्क बना लिया है। और मेरे को गाइस पक्का लग रहा है, मुझे पक्का शक है यार, शक नहीं पूरा यकीन है यार, ये जरूर भाई ये ज़ॉम्बीज किसी गैस की वजह से बने हैं। वैसे यार कहीं शिंचन और चॉप, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फटाफट से गाइस घर के लिए निकलना पड़ेगा। अगर वो लोग ज़ॉम्बीज बन गए तो गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार शहर के अंदर। भाई साहब वैसे यार मेरे पास तो फिर कोई बचेगा ही नहीं यार, जल्दी से उन लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि शहर में ज़ॉम्बीज का आतंक फैल चुका है। नहीं गाइस उससे पहले कि उन लोगों के पास ज़ॉम्बीज पहुंचे, मुझे उनके पास पहुंचना होगा जल्दी। वैसे यार अगर पूरे शहर में गैस फैल गई है तो इसका मतलब पूरे शहर के लोग ही ज़ॉम्बीज बन गए होंगे। अबे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा अटैक हो गया यार अपने शहर के ऊपर। वैसे ये गैस फैली कैसे, और मेरे को तो पक्का भी नहीं पता यार सच में ये गैस की वजह से हुआ है कि किसी और वजह से। हो सकता है गाइस वजह कुछ और है यार इन सबके ज़ॉम्बीज बनने के पीछे। और तुम लोग देख सकते हो यार मैं अपने घर की तरफ हूँ, और मेरे घर की तरफ भी सारे के सारे लोग मुझे ज़ॉम्बीज ही नजर आ रहे हैं, कहीं शिंचन और चॉप। अबे नहीं यार ऐसा क्यों सोच रहा है, मैं पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं यार उनको कुछ नहीं हुआ होगा, वो दोनों एकदम बढ़िया से होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता उन्हें। फिलहाल तो गाइस टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, अपनी गली में भी आ चुका। ओ भाई इधर भी गाइस बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। ओ वो उड़ा, ओ तेरी
पॉइंट के पास गाइस खतरनाक पावर्स भी है जिसके हेल्प से ये उड़ पा रहे हो। भाई वो बंदा सीरियसली में अभी उड़ा। और भाई ये ज़ॉम्बी मेरे गाड़ी के बगल में आ गया दौड़ता। भाई 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 जल्दी से गाइस हम लोगों को निकलना पड़ेगा यार, क्या करूं मैं। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो फाइनली अपने घर के बाहर आ चुका हूं। ओ भाई साहब शिनचैन और चॉप पक्का ज़ॉम्बीज गाइस मुझे लग रहा बन चुके हैं, क्योंकि तुम लोग इधर देखो भाई इधर इतनी ज्यादा संख्या है ज़ॉम्बीज की मैं क्या करूं यार। भाई साहब यहां तो लॉस सेंटोस के अंदर गाइस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स चालू हो गया है जिससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तो इन ज़ॉम्बीज के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो भाई, जब ये मरने का नाम मिल ले रहे। ओ भाई अभी इन सबके ऊपर मैंने गाइस गाड़ी चढ़ाई और ये सारे उठ गए, बस दो ही लेटे पड़े हैं जमीन के ऊपर। एक मिनट देखना गाइस, ये मैंने बहुत सारे बंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और ये देखो यार वापस से सारे दोबारा उठ गए। अरे गाइस यार ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक काम करता हूँ अपने घर के बाहर कुछ इस तरीके से गाड़ी को लगाता हूँ कि ज़ॉम्बीज अंदर ना जा पाए। अबे ये तो पहले से ही अंदर घुसे पड़े हैं। अरे यार मुझे बहुत ज्यादा गाइस टेंशन हो रही है शिनचैन और चॉप के बारे में, उनका क्या हाल होगा। अभी तो जल्दी 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 जल्दी। अबे भाई साहब क्या तबाही मच गई है। ओए शिनचैन, ओए चॉप, अरे यार ये तो नजर ही नहीं आ रहे। ओए शिनचैन, ओए चॉप, अरे भाई साहब नीचे तो है ही नहीं गाइस। एक काम करते ऊपर की साइड देख कर आता हूँ। अरे ये एक सेकंड ऊपर मैं गन भी ले लूंगा भाई साहब इन ज़ॉम्बीज का मुंह तोड़ने के लिए। अबे मेरा घर है भाई, ये होटल नहीं है, सारे के सारे घुसे चले आ रहे हो। एक काम करता हूँ डोर को लॉक करता हूँ, लॉक करने से पहले इतने घुस गए। अरे भाई साहब ये मेरे कोई ज़ॉम्बी ना बना दे गाइस, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से यार मेरी जो गन्स थी वो मैंने कहाँ रखी है। एक तो ये शिनचैन और चॉप भी नजर नहीं आ रहे मेरे को यार, मैं क्या करूं। एक सेकंड जो गन है मेरी वो मैंने इस वाले घर के अंदर रखी है, किचन के नीचे फटाफट। हाँ इसी वाले ड्रॉर में जल्दी। ओ तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब गन उठा फ्रैंकलिन। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो फाइनली यहाँ पर मैंने मशीन गन उठा लिया है और अब तो इन ज़ॉम्बीज की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा भाई साहब, अब किसी से भी नहीं डरने वाला। वैसे गाइस तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब ये ज़ॉम्बी सीरियसली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। ओ भाई जल्दी से गाइस यहाँ से नीचे की तरफ निकलते। ओ भाई कितने ज़ॉम्बीज घुसते चले आ रहे हैं। अरे गाइस मेरे को शिनचैन को भी ढूंढना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ ये मारा मैंने मुक्का। ओ शिनचैन, ओए चॉप, अरे ये कहाँ भाग गए यार, कहीं इनको भी तो ज़ॉम्बीज नहीं बना दिया उन लोगों ने। इनमें से कहीं एक शिनचैन और चॉप ही तो नहीं। नहीं 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 हो सकता ऐसा। ओ भाई साहब इसने तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। अरे तेरी ऐसी की तैसी, बढ़िया निकले यहाँ से। ओए शिनचैन और चॉप, अरे भाई साहब पूरे घर पे मेरे ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया गाइस। ओए शिनचैन और चॉप, अरे यार क्या करूं, मेरी गन बाहर निकल। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो फाइनली यहाँ पर जो मैंने अपनी गन थी वो निकाल लिया है और इनका मैं मुंह तोड़ देता। तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई साहब कितने घुसे, तुम लोग बाहर तो निकलो जरा, इन सब का मुंह तोड़ दूंगा। एक सेकंड, आ जा बेटा, कौन सा आना चाह रहा है यहाँ पर कोई है। वो रहा अंदर, वो रहा। तेरी ऐसी की तैसी, बाहर निकल बेटे। ओके सो गाइस एक बंदा ये रहा, ये भी गया। फाइनली ये सारे के सारे खत्म। अभी एक काम करता हूँ शिनचैन और चॉप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अबे भाई साहब ये कहाँ से चढ़ के आ रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे भाई साहब गाइस ये ज़ॉम्बीज नहीं ढूंढने देंगे मुझे शिनचैन और चॉप को। अरे भाई साहब फाइनली गाइस तुम लोग देख पा रहे हो मैं आ चुका हूँ। एक सेकंड, ओ भाई इसके नीचे कोई नजर आ रहा है बेड के नीचे तेरी। एक सेकंड गाइस, क्या तुम लोगों को भी नजर आ रहा है। ओ भाई हाँ ये जो शिनचैन जैसे कुछ कपड़े लग रहे हैं। एक सेकंड जरा चेक करो। ओए शिनचैन भाई इसके ओ बाल ओ चॉप भी है क्या यहाँ पर। अरे हाँ गाइस तुम लोग इधर देखो। ओए शिनचैन, ओए शिनचैन, अरे मुझे छोड़ दो मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये शिनचैन इसका अंदर घुसा हुआ है। अबे तू पागल हो गया है क्या। अरे छोड़ दो फ्रैंकलिन भैया वाले ज़ॉम्बी छोड़ दो हमें। अबे भाई मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। अरे अरे तुम जो भी हो यार प्लीज हमें छोड़ दो, फ्रैंकलिन भैया वाले छोड़ दो ज़ॉम्बी छोड़ दो। अबे यार ये पागल हो गया। अबे भाई मैं फ्रैंकलिन। अरे हाँ फ्रैंकलिन वाले ज़ॉम्बी छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ओ बेवकूफ के बच्चे, मैं ज़ॉम्बी नहीं बना हूँ, अभी मैं बचा हुआ हूँ। अरे तुम झूठ मत बोलो, हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तुम हमें भी बना दोगे ज़ॉम्बी, हमें नहीं बनना। अबे भाई साहब ये सच में पागल हो गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बाहर निकलो तुम दोनों। अरे अरे यार बचाओ कोई तो हमें बचाओ, ये फ्रैंकलिन नाम के ज़ॉम्बी हमें खाना चाहता है। अबे यार मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, ज़ॉम्बीज को मैंने मार डाला है, जितने भी घर के अंदर घुसे थे अभी बाकी सारे ज़ॉम्बी घर के बाहर है, तुम लोग बाहर आ सकते हो। अरे क्या तुम सच बोल रहे हो। अबे भाई साहब यार शिनचैन तेरे फेवरेट चॉको चिप्स की कसम। अरे भाई मैं क्या बात कर रहे हो। अबे हाँ बिल्कुल। अरे ठीक है यार हम लोग अभी बाहर आते हैं, आ जाओ यार फटाफट से, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मुझे तो खुद लग रहा था कि तुम लोग कहीं ज़ॉम्बी ना बन गए हो, लेकिन ठीक हो यार तुम लोग। अरे भाई वैसे तुम तो नहीं बने। नहीं यार मैं तो नहीं बना फिलहाल यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो गई लॉस सेंटोस के अंदर। अरे रुको यार अभी हम लोग बाहर आते हैं फिर बात करेंगे।
ओ भाई साहब, चौप तू भी छुपाता। अब हाँ यार कलवे, मैं क्या करूँ यार, मेरे को भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वैसे ये तो बता, तुम लोग छुपे कब? अरे फैमिया, जैसे ही तुम बाजार से सामान लाने के लिए निकले घर से। हाँ फिर? अरे फिर क्या यार, एक अंकल जी आए ज़ॉम्बी बन के। अच्छा। अरे फिर हमने कहा अंकल जी कौन हो कौन हो, तो वो कहने लगे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर क्या हुआ बे? अरे फिर हम लोग यार डर के मारे उन वाले अंकल जी को हम लोगों ने एक लात मारी। फिर? अबे भाई साहब फिर क्या, उस अंकल जी के बेहोश होते उसके पीछे 10 अंकल जी और 10 आंटी जी ज़ॉम्बीज बनी हुई आ गई, और उसके बाद यार देखकर उन लोगों को हम लोग डर के मारे अरे बेड के नीचे छुप गए यार। अच्छा, तब से तुम लोग बेड के नीचे ही छुपे हो? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अबे भाई, और मैं मार्केट गया, जैसी दुकान के अंदर मैं घुसने वाला था तभी सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए। अरे फैमिली अब क्या होगा? अबे यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा गाइस, इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज हम लोग कैसे बचेंगे यार, पूरे शहर में तबाही मचा रखे इन ज़ॉम्बीज ने। अरे फैमिली क्या बात कर रहे हो, पूरे शहर में? अबे हाँ पूरे शहर में। अरे हमें तो लगा यार सिर्फ घर में ही हमारे। ओ घर में ही नहीं भाई, हमारी गली में भी नहीं, हमारे मोहल्ले में ही नहीं, पूरे शहर में जितना पूरा लॉस सेंटर है ना, हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज भर गए हैं। अरे फैमिली अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तो यहाँ से हम लोगों को फटाफट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एक सेकंड पे यहाँ पर भाई ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल 4-5, 10-12 ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसे, तो उन लोगों को मैंने टपका डाला है, लेकिन भाई साहब और भी ज़ॉम्बीज पीछे से तो दरवाजे से तो छोड़ो, इधर से भी कूद कूद कर आ रहे हैं, जो कि यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। अरे फैमिली उन वाले ज़ॉम्बी से हम लोग कैसे बचेंगे? अब भाई साहब यार कुछ सोचो यार, कुछ सोचो, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे फैमिली तो चलो यार यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं। अबे लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ? अबे हाँ शायद पहाड़ों की तरफ ज़ॉम्बीज ना मिले। अरे हाँ बिल्कुल। जा यार कुछ और सोचता हूँ मैं। अबे हाँ यार मेरे को पहाड़ों के अलावा और कोई जगह सूझ ही नहीं रही है। अरे फैमिली अगर झील वील की तरफ जाओगे तो वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी ज़ॉम्बीज आएंगे। और भाई साहब लॉस सैंटोस में तो कहीं भी चले जाओ ज़ॉम्बीज तो आना पक्का ही है। अरे फैमिली इसलिए यार पहाड़ों से बढ़िया कोई जगह नहीं। देखते हैं यार पहाड़ों की तरफ छुपने के लिए, देखते हैं अगर वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज आ गए तो। अरे फिर उसके बाद में सोचेंगे यार क्या करना है, अभी तो फिलहाल पहाड़ों की तरफ ही सबसे बढ़िया रास्ता है। तो आ जाओ फिर। चल चल आ जा भाई शिनचैन। ये चौप कहाँ गया? अबे भाई साहब कल मैं गाड़ी पे आके बैठ भी गया। अच्छा आ जा भाई शिनचैन तू आ जा। अरे फैमिली चलो चलो जल्दी चलो पहाड़ों की तरफ। गाइस फटाफट से निकलते हैं, अभी तो फिलहाल मेरे को लग रहा है मामला थोड़ा शांत है। अरे फैमिली हाँ यार इधर ज़ॉम्बीज कम नजर आ रहे हैं। ओ भाई सारे ज़ॉम्बीज मुझे लग रहा उधर है। अरे हाँ फैमिली वो रहे ज़ॉम्बीज। इससे पहले कि उनकी नजर हमारे ऊपर पड़े फटाफट से यहाँ से हम लोगों को निकल लेना चाहिए। वैसे उधर की साइड ज़ॉम्बीज नजर नहीं आ रहे। अरे फैमिली तो चलो उधर की साइड से ही निकलते हैं। वैसे यार मैं सोच रहा था कुछ जरूरी सामान ले लूँ क्या? अरे नहीं नहीं यार अभी मतलब बाद में ले ले जा। अबे खाने पीने का सामान की बात कर रहा हूँ मैं। अरे तब तक खाएंगे क्या? हाँ यार बात तो सही है। एक काम करते गाइस खाने पीने का भी सामान ले लेते हैं। चलो भाई साहब खाने पीने का तो सामान हो गया, पूरा फ्रिज ही उठा लिया। अबे फ्रिज थोड़ा भाई, खाने पीने का सामान है। फिलहाल तो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो हम लोग जल्दी से निकलते हैं, इन खाने में अपने 3-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे आराम से निकल जाएंगे। वैसे गाइस हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। भाई साहब कल थोड़ा संभल के चलाइए यार, ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ यार ये ज़ॉम्बी पापा पिली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ज़ॉम्बी क्या? अरे ज़ॉम्बी पापा पिली। अबे पापा पिली नहीं भाई, एपोकलिप्स तुझे नहीं पता क्या? अरे फैमिली जो भी हो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हाँ गाइस खतरनाक तो बहुत ज्यादा है, ये सही है यार अपने पास आयरन मैन की गाड़ी है। अरे फैमिली आयरन मैन से याद आया यार हम लोग एवेंजर्स के पास चलते हैं। हाँ यार एवेंजर्स एवेंजर्स के पास जाना पता नहीं भाई साहब सही रहेगा कि नहीं, क्या पता वो लोग भी ज़ॉम्बी बन गए हो। अरे फैमिली एवेंजर्स तो यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो कैसे ज़ॉम्बी बन जाएंगे? ओ भाई साहब ऐसे तो पावरफुल तो अपना प्रेसिडेंट भी है, ज़ॉम्बीज तो वो भी बन गया होगा, कर्नल भी है, पुलिस वाले भी पावरफुल होते हैं, ज़ॉम्बी तो वो सारे भी बन गए होंगे। अरे फैमिली हाँ यार ये बात भी सही है, इसलिए भाई इस वक्त हम लोग किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ बाद में जाकर देखेंगे यार एवेंजर्स के पास कि वो लोग ज़ॉम्बी बने हैं कि नहीं। अरे हाँ यार अभी तो पहले सबसे पहले एक ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। हाँ गाइस सबसे पहले एक ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, फिलहाल तो यार सामने वाला भी एक पहाड़ है जिसका नाम है वाइनवुड। अरे फैमिली तो वहीं पर चलते हैं। वहाँ पर नहीं जा सकते। अरे क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर भी लोग रहते हैं और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो ज़ॉम्बीज पक्के ही हैं यार। अरे फिर कहाँ जाए? रुक जाना चलते हैं आगे चलते हैं, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी बढ़िया सी। अरे तो तेजी में चलो। ओ तेजी के चक्कर में गाड़ी इधर उधर ठुक के खराब हो गई ना, फिर तो हमारा ज़ॉम्बी बनना पक्का ही है। अरे तो ठीक है यार थोड़ा आराम से चलो और बढ़िया से चलाओ गाड़ी। हाँ गाइस
हिसाब से हम लोग चला रहे हैं फिलहाल। तो गाइस तुम लोग अभी का अभी जाकर वीडियो को लाइक करो। अरे हाँ गाइस, वीडियो को जाकर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। हाँ गाइस, बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और गाइस, इस वाली वीडियो का तुम लोग पार्ट टू चाहते हो तो कमेंट में पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू लिखो। हाँ गाइस, कमेंट में पार्ट टू लिख देना यार। अरे हाँ गाइस, पार्ट टू या नेक्स्ट पार्ट जो मर्जी वो लिख देना। और गाइस, और तुम लोग अपने सजेशन देते रहना कि भाई साहब यार, ये ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स चालू हो गया लॉस सैंटोस के अंदर, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यार इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। अरे फ्रेंड, मैं कहाँ लेकर जा रहे हो गाड़ी? अबे यार, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोलो। अबे हाँ शायद, नहीं 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 भाई, मैं तो डर ही गया था। अरे तुमसे ज्यादा तो हम डर गए थे। वैसे गाइस यार, ये ज़ॉम्बीज इधर की साइड भी है यार, पहाड़ों की साइड। अबे तो कलवे भाई साहब, ऐसी जगह पर ले चल जहाँ पर इंसान रहते ही ना हो, ऐसी जगह तो फिर वो माउंट चिलैट का पहाड़ी है। अबे नहीं, लेकिन वहाँ भी तो लोग घूमने के लिए जाते ही हैं। अबे इंसानों ने कोई जगह छोड़ी भी है कि नहीं, ये तो पता नहीं यार। इधर की साइड यहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं होने चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अरे फैन भाई, इधर ही तो ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। बे भाई साहब, इधर देख रहा है तू? अरे फैन भाई, हाँ यार, इधर तो पूरा ज़ॉम्बीज का खानदान बैठा पड़ा है। नहीं 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 भाई, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते यार, कहाँ जाए कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस। अरे हाँ यार, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना चाहिए। अभी तो एक काम करता हूँ भाई, भगाता हूँ गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी जा रही है भाई जाने दो, बढ़िया सी जगह पर पहुँच जाए बस। अरे हाँ यार, एक बार बढ़िया सी जगह पर पहुँच जाए फिर आएगा ना मजा जिंदगी का। जिंदगी का मजा आएगा तेरे को बढ़िया सी जगह पर पहुँच जाने के बाद? यहाँ पर ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैल गए, इसको जिंदगी के मजे लेने हैं। कोई बढ़िया सी सीक्रेट सी जगह मिल जाए जहाँ पर ज़ॉम्बीज ना आ सके, इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार। अरे गाइस, तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यार हमें बढ़िया सी जगह मिल जाए। हाँ गाइस, फटाफट से करो। और यार बात साहब, कल मैं तो कहता यहीं पर रुकते हैं। यहीं पर? हाँ, जगह तो ठीक ही लग रही है। अरे हाँ, जहाँ तक है यहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे। अच्छा, सामने देखियो। अरे यार, यहाँ पर भी आके ऐसी कोई जगह नहीं है भाई जहाँ पर ये ज़ॉम्बीज ना पहुँच सके। अरे यार, कहाँ जाए हम लोग? अरे जेल में है। जेल में तो सारे ही कैदी ज़ॉम्बी बन गए होंगे। अरे अब क्या करें? कहाँ जाए यार? अरे फैमे, कहीं तो जाना पड़ेगा, सोचो। अरे फैमे यार, कहाँ जा रहे हो? अबे भाई, अब मेरा मत्था खराब हो गया, मेरी गाड़ी जहाँ पर जा रही है जान दो, अब तुम सारे चुप हो जाओ। अरे यार, सोच तो लो एक बार। सोच लिया भाई, अब ज्यादा नहीं सोचना मेरे को। ओके सो गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो भाई, जहाँ पर भी गाड़ी जा रही है जान दो जान दो जान दो जान दो। अरे यार, एक बार देखो तो। अरे भाई, यहाँ पर भी ये ज़ॉम्बीज नहीं पीछा छोड़ रहे। अरे ये कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। काम करता हूँ गाइस, ये सीधा जो पहाड़ इसी पे गाड़ी चढ़ा देता हूँ, जो का देखा जाएगा। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। बस इस पे ज़ॉम्बीज ना आए यार, फिर तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं रहेगी, तो सीधा समुद्र में भागना पड़ेगा। अरे हाँ यार, वो वैसे बढ़िया इलाका है यार, वहाँ पर छुट्टियाँ मस्त बनेंगी। तेरे को छुट्टियाँ मनाने की पड़ी है, यहाँ मेरे को जिंदगी की टेंशन हो रही है। अरे रुक जा भाई, गाड़ी सच में समुद्र के बीच नहीं जाना भाई। अरे भाई, मेरी गाड़ी नहीं रुक रही। अरे भाई, मैं डिस्क ब्रेक मारो। ब्रेक गाड़ी में? अबे चुप हो जा भाई तू। अरे रुक जा मेरी गाड़ी भाई, प्लीज। ये कहाँ जा रही है? अरे भाई, तो बढ़िया जगह लेकर आ गई गाड़ी हमें। हाँ सही कह रहा है, यहाँ पर तो गाइस ज़ॉम्बीज खाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, पहाड़ के जस्ट डाउन वाली जगह पे। हाँ यार, सच में ये वाली जगह बेस्ट रहेगी यार उन ज़ॉम्बीज से छुपने के लिए। अरे फैबिया, हाँ यार, यहाँ पर नहीं आएंगे वो। हाँ गाइस, लगता है यहीं पर कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे। कुछ दिन क्या यार, कुछ घंटे बस, खाना पीना करके हम लोग फिर से शहर में चलेंगे। अरे वो क्यों? ताकि पता चल सके ज़ॉम्बीज की मेन वजह क्या है, और साथ में एवेंजर्स के पास भी जाया जा सके, कहीं वो लोग तो ज़ॉम्बीज नहीं बन गए। अरे हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हो। चलो गाइस, फिलहाल तुम लोगों को अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस कमेंट में नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू जो मर्जी वो लिख देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यार, गुड बाय।